हाँ जी, तो हाउ टू क्रिएट वायरल वीडियोस इन 2020, मतलब 2020 में वायरल वीडियोस कैसे बनाएं, चाहे वो IGTV के लिए हो या फेसबुक या यूट्यूब। आज इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है गुरशरण सिंह और आप देख रहे हो इजी डिजिटल मार्केटिंग। देखो, कोई मैजिकल ट्रिक नहीं है, बिल्कुल लीगल टेक्निक्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, और ये इम्प्लीमेंट करोगे तो इससे ही रिजल्ट पक्का 200% आएंगे। बट बात यह है कि आप इन्हें इम्प्लीमेंट करो, सुन के कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहली टिप है, वो है क्रिएट लॉन्गर वीडियोस। देखो, कुछ भी कहो, आप जितनी मर्जी सर्च करो किसी भी टॉपिक पे, लॉन्गर वीडियोस बेटर परफॉर्म करती हैं कहीं भी। मतलब अगर किसी भी टॉपिक पे हम सर्च करते हैं तो जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं 1-2 मिनट की, छोटी किसी भी, मतलब कंपटीशन के हिसाब से आपस में जो सबसे लंबी वीडियो होती है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं रैंक होने के। अब आप कहोगे ऐसा नहीं है, हमने तो देखा भाई छोटे जो कम टाइम की होती हैं वो वीडियोस भी रैंक होती हैं, जो ज़्यादा टाइम की है वो नीचे होती हैं। बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। जो शॉर्ट टाइम की वीडियोस होती हैं कभी कभी वो ज़्यादा टाइम वालों से ऊपर होती हैं। बट ये कैसा है, मैं एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। मान लो दो शूटर हैं और उन दोनों को ना 20 चांस मिले, इस बंदे को भी 20 चांस मिले, इस बंदे को भी 20 चांस मिले। वो सामने दोनों को ना गोला दे दिया कि भाई वो सामने जो बुलजाए होता है ना, मतलब वो गोल सा चक्कर होता है पूरे स्फीयर में, भाई उसमें बुलजाए मारना है, 20 चांस मिलेंगे। जिसके ज़्यादा क्लोज मिले, जैसे आर्चरी में होता है, बिल्कुल ही सेम वही चीज़ है, जिसके ज़्यादा क्लोज लगे कहीं ज़्यादा पॉइंट, जितने दूर लगे उस गोले से, काले वाले से जितने दूर लगे उससे उतने कम पॉइंट, 10, 9, 8, 7 ऐसे रेंज होती है ना। अब जो पहला शूटर है उसे 20 चांस मिले, उसने 5-6 तो ये देखने में लगाए कि मेरा हाथ कहाँ सेट बैठ रहा है, किस तरह से गन पकड़ूँ, है ना, मतलब बेसिक्स पे ध्यान दिया, आँख कैसे बंद करूँ, हेड से मारूँ, शोल्डर से देख के चलाऊँ, ये सब चीज़ों पे उसने काम किया। 5 शॉट उसने वेस्ट किए, बट 15 शॉट्स में उसने मान लो 7-8 गोलियाँ मार दी, बहुत एकदम गुलजाए मारी। दूसरे बंदे ने क्या किया, उसने टेक्निक पे ध्यान नहीं दिया, उसने क्या कहा बस मुझे गोले पे मारना है, ठाँ 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 ठाँ, उसके 5-6 ही लगे, तो लगे उसके भी, लगे उसके भी, बट इसके ज़्यादा लगे, क्यों, इसने टेक्निक पे ध्यान दिया, बट उसके तुक्के लगे, है ना। तो तुक्के वाली बात होती है, जो छोटी वीडियोस होती है ना वो तुक्के वाली बात होती है कि हाँ लोगों को पसंद आ गई और एल्गोरिदम को भी पसंद आ गई, उसे लग रहा है कि हाँ भाई लोगों की जो है नीड फुलफिल हो रही है, क्वेरी सॉल्व हो रही है, तो हाँ मैं इसको रैंक कर देता हूँ। बट ज़्यादा चांसेस पता है किसके होते हैं, जो लॉन्गर वीडियोज़ होती हैं, क्योंकि उसमें जो है ना एल्गोरिदम को लगता है यार इसने ज़्यादा टॉपिक्स कवर किया, ब्रॉडली ज़्यादा चीज़ें कवर की हैं, तो ये लॉन्गर वीडियो इसमें ज़्यादा डिटेल होगी। लोगों को भी ये लगता है कि यार लंबी वीडियो है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन की होंगी, पूरी देखता हूँ, तो ऐसा भी होता है। ये मतलब टेक्निकली स्ट्रांग चीज़ है। अब ये ज़्यादा चांसेस होते हैं लंबी वीडियोज़ के, इसलिए रैंक होने के। बट जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं उसका तुक्के वाली बात होती है, लग गया तो लग गया, नहीं तो ना सही। दूसरी टिप है, चाहे आप डालो IGTV पे, फेसबुक पे, या डालो यूट्यूब पे वीडियो अपनी, बट आपको जो फर्स्ट 24 आवर्स है ना, मतलब 24 घंटे शुरुआती, उनमें अपनी वीडियो को पुश मारना है। पुश इन द सेंस कि मतलब जितना हो सके शेयर करना है इधर उधर, इधर उधर, इधर, जितना हो सके व्यूज लाने हैं, लीगल व्यूज, ये नहीं कि बॉट चला दो या इधर उधर से नकली, नहीं नहीं नहीं, अपने घर में 4-4 डिवाइस नहीं लगाने, क्लिक फार्म नहीं करना, ओरिजिनल व्यूज अपने दोस्तों से करवाओ, दोस्तों के दोस्तों से करवाओ, वो ठीक है। तो मतलब जितना हो सके 24 घंटे में शुरुआती में आप पुश कर दोगे ना वीडियो को, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके बेटर रैंकिंग के, बेटर रिस्पॉन्स के, कि हाँ आगे वो चलती जाएगी, एल्गोरिदम भी उसे सर्व करता रहेगा, लोग भी उस पर एंगेजमेंट दिखाते रहेंगे। क्योंकि देखो, थोड़े भेड़ चाल वाली बात भी होती है, जब 10 लाइक देखते हैं तो 11वां बंदा भी कर देता है कि भाई अच्छी होगी, कभी कभी ऐसा भी होता है बिना लोग वीडियो देखे कि 11वां चल ठीक है, हल्की सी देखी 5-10 सेकंड की मार दिया लाइक, ऐसा भी होता है। तो वही वाली चीज़ है, अगर आप स्टार्टिंग में ही वीडियो को पुश कर देते हो ना, तो लोग देखो देखी करते हैं, एंगेजमेंट होती जाती है, लाइक शेयर करते रहते हैं, वो वायरल हो जाती है चीज़। बट अगर 24 से 48 आवर्स में वो चीज़ नहीं होती तो फिर एल्गोरिथम की नज़र में वो ना ओल्ड कंटेंट हो जाता है, मतलब फ्रेश डाटा नहीं होता, फ्रेश कंटेंट नहीं होता, वो कहता है ओल्ड कंटेंट, वो थोड़ा उसे पीछे कर देते हैं, नए वालों को चांस देते हैं। तो मतलब आपके पास 24 से 48 आवर्स होते हैं अपने कंटेंट को पुश करने के लिए। थर्ड टिप है, डोंट प्रोड्यूस सेल्फिश कंटेंट। अब सेल्फिश कंटेंट क्या होता है, जैसे मान लो कुछ व्लॉगर्स होते हैं ना, जाते हैं कि भाई हम देखो गोवा गए या कहीं भी गए, ठीक है बहुत अच्छी बात है, तो व्लॉगर्स का काम क्या होता है कि लोगों को वो नज़ारा दिखाना है ना, कि भाई देखो ये चीज़ है, यहाँ पे वाटरफॉल हो रहा है, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, ऐसा कुछ सीन देखो कितना बढ़िया लग रहा है, एक स्टोरी टाइप में सब कुछ दिखाना। बट कुछ लोग पता क्या करते हैं व्लॉगर्स, वो कहते हैं देखो हमने बाइक ले ली, हमने घर नया ले लिया, हमने मोबाइल ले लिया, देखो मैंने आज ये कपड़े पहने, मैं ये खा रहा हूँ, चाय पी लो, फ्रेंड्स वाला हाल हो जाता है।
है ना, तो वो चीज़ हो जाती है, वो होता है सेल्फिश कंटेंट, अपने बारे में बात करना। एक होता है लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करना कि भाई देखो मैं आपके लिए ये चीज़ लाया हूँ, देखो कितना अच्छा लग रहा है, या ये चीज़ आपको फ़ायदा करेगी, या ये चीज़ मत करो क्योंकि ये आपको नुकसान करेगी। मतलब लोगों की भलाई के लिए चीज़ बताना या उन्हें एंटरटेन करना। बट जब आप अपने बारे तारीफें करते रहते हो, अपनी चीज़ें बताते रहते हो, अपने बारे में बात करते हो, ये होता है सेल्फिश कंटेंट। ये क्या होता है, टाइम के साथ लोग आपको छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपका चैनल पेज कुछ भी हो वो ड्रॉप होगी होगी ऑर्गेनिक रीच, और वो ख़त्म हो ही जाएगा। इसलिए कभी भी सेल्फिश कंटेंट प्रोड्यूस मत करो। चौथी टिप है, क्रिएट सीरीज ऑन अ टॉपिक। अब टॉपिक मान लो कोई है, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी ब्लॉगिंग सीरीज़ की, उसमें 3 पार्ट बनाए थे। उसमें क्या होता है, एक एंगेजमेंट बन जाती है। ऐसे मैंने ईएटी की भी बनाई थी, उस पर भी 3 पार्ट बनाए थे मैंने। मतलब कहने का है, लोग ऐसे जो सीरीज़ बनाते हैं ना कि भाई पार्ट ए पार्ट बी पार्ट थ्री इस फलाने टॉपिक पे, तो उससे एक सीरीज़ बनती है तो लोग उसे पूरा देखते हैं। उससे क्या होता है, आपके ऊपर ना लॉयल्टी बढ़ती है, मतलब लॉयल फैन बढ़ने लग जाते हैं आपके। दूसरी बात, उसमें से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी कोई वीडियो वायरल हो। अगर एक भी हुई तो वो तीनों पार्ट्स को चढ़ा लेगी, और तीनों पार्ट्स चढ़े तो आपका जो पूरा चैनल चढ़ने को हो जाता है, मतलब या आपका कोई फेसबुक पेज है तो वो भी पूरा चढ़ने को हो जाता है, इंस्टाग्राम है तो उसमें भी सीरीज़ बनती है। मतलब अगर जहाँ जहाँ आपको सीरीज़ का ऑप्शन मिलता है ना, वो एक तरह से कैटेगराइज करते हो आप, बिल्कुल डाइवर्सिफाई कर देते हो चीज़ को कि भाई ये चीज़ जो है ना मेरी, ये बिल्कुल इस टॉपिक पे ही है। तो एल्गोरिथम ना अच्छे से समझ पाता है, अच्छा आपने डिस्क्रिप्शन भी लिखी है इन 3 पार्ट्स के बारे में, या 4 पार्ट जितने भी आपने बनाए, 10 पार्ट्स, तो वो पूरा उसे स्टडी कर पाता है अच्छे से। जब वो जितना अच्छे से एल्गोरिथम समझ जाएगा ना, और लोग उस पर जितने अच्छे से समझ के उस पर रिएक्ट करेंगे, आगे उसकी ऑर्गेनिक सर्विंग बढ़ जाती है। तो इसलिए सीरीज़ बनाओ, बहुत बहुत बेनिफिशियल होती है। 5th टिप है, शेयर योर कॉन्टेंट एज मच एज यू कैन। अगर आप अपना कॉन्टेंट, अपनी वीडियोज खुद शेयर नहीं कर रहे ना, तो दूसरे से आप उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो क्या क्यों करेगा, कैसे करेगा, है ना। क्योंकि आपको खुद ही अगर चीज़ पसंद नहीं आ रही पहली बार, तो पसंद ना आए तब शेयर नहीं करता बंदा, या फिर बंदा हिम्मत ही ना करे तो भी शेयर नहीं करता। तो अगर आपको अपनी वीडियोस पसंद है, मन करता है शेयर करने का, पर आप ये सोचते हो कि यार कुछ लोग ये बोलते हैं कि अपनी वीडियो शेयर नहीं करनी चाहिए व्हाट्सएप वगैरह पे, ये वो फलाना ढमकाना। देखो होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं साथ में। पहले उससे ये क्लियर कर लेते हैं कि अपनी वीडियोस आपको शेयर करनी पड़ेंगी, पहले तो अच्छी वीडियोस बनाओ, और उसके बाद हिम्मत करो, अगर आप शेयर नहीं करोगे तो दूसरे बिल्कुल नहीं करने वाले आपके लिए। मोटिवेशन उन्हें नहीं मिलेगी कि हाँ यार देख बंदा मेहनत कर रहा है, खुद ही शेयर भी करता है, चल हम मदद कर देते हैं। वो चीज़ आती तभी है लोगों में जब आप खुद कर रहे हो, जब आप खुद नहीं करोगे लोग भी नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि आप व्हाट्सएप वगैरह पे आपको अपनी या दूसरे प्लेटफॉर्म पे अपनी वीडियो शेयर करनी चाहिए, जैसे मान लो यूट्यूब पे बनाई तो फेसबुक पे व्हाट्सएप वगैरह पे करनी चाहिए, या अगर फेसबुक पे बनाई तो क्या यूट्यूब वगैरह पे या दूसरी जगह वो डालनी चाहिए? बिल्कुल डालनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी वीडियो को कोरा पे शेयर करो, आप अपनी वीडियो को व्हाट्सएप पे भेजो, आप अपने दोस्तों को भेजो, चाहे इंस्टाग्राम पे भेजो, चाहे फेसबुक पे मैसेंजर पे भेजो। बेसिकली ये चीज़ होती है कि आप क्लिक फार्म ना करो। क्लिक फार्म पता है क्या होता है, कि एक ही अपने मान लो पापा का भी फ़ोन लिया, मान लो घर में एक वाईफाई है, मम्मी का, पापा का, बहन का, भाई का, चारों का फ़ोन लिया और एक ही वाईफाई से कनेक्ट तो है, सेम आईपी एड्रेस है, चारों में फेसबुक खोली, अगर फेसबुक पे वीडियो डाली और चारों से देख के खोल के बैठ गए कि भाई मेरे 4 व्यूज़ हो जाएंगे, वो चीज़ सिस्टम ट्रैक करता है, वो इलीगल होती है। बट आप वो मतलब लेजिट व्यूज़ नहीं होते उनकी नज़र में। बट आप अगर अपने दोस्तों को भेज रहे हो, उसका आईपी एड्रेस अलग है, उसकी आईडी अलग है, उसका डिवाइस अलग है, उसकी लोकेशन अलग है, तो उसका व्यू लेजिट व्यू है अगर वो देख रहे हैं तो। ऐसे आप अपने दूसरे दोस्तों को भी भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ये सिग्नल्स मिलते हैं कि ये वीडियो आउटसाइड दैट प्लेटफॉर्म ज़्यादा फेमस है। मतलब ये सिग्नल्स भेजते हैं, अगर यूट्यूब की वीडियो है वो व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर हो रही है, तो यूट्यूब की तरफ सिग्नल आते हैं कि यार ये व्हाट्सएप पे भी जा रही है, अच्छा लोगों को पसंद आ रही है, अच्छा ये कोरा पे भी जा रही है, अच्छा। तो ये जब सिग्नल मिलते हैं तो वो उसे ज़्यादा ऑर्गेनिक वैसे सेम इंटरेस्ट वाले लोगों को अपने ही प्लेटफॉर्म पे दिखाने लग जाते हैं। 6th टिप है, पब्लिश योर वीडियो ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। अब देखो फोकस एक प्लेटफॉर्म पे ही करना होता है, बट पब्लिश हर जगह करनी होती है। सिंपल सा फैक्ट देखो, क्या मतलब प्लेटफॉर्म, मतलब क्या मेरा मतलब है, जैसे आपने कोई वीडियो बनाई यूट्यूब के लिए, अब उसी वीडियो को फेसबुक पे भी डालो अपना पेज बना के, उसी वीडियो को सेम नाम से इंस्टाग्राम IGTV पे चैनल बना के भी डालो, उसी वीडियो को आप टिकटॉक पे ट्रिम करके 1 मिनट की भी डालो। कहने का मतलब है आप एक ब्रांड बनाने की कोशिश करो अपने चैनल को, या जो भी आपका नाम है, जिस भी पेज है आपका,
उसे एक ब्रांड बनाने की कोशिश करो, जितनी जगह उस नाम को विजिबल करोगे इंटरनेट की नज़र में, सर्च इंजन्स की नज़र में, उतना ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है सर्च इंजन्स को कि हाँ ये एक एक्चुअली ब्रांड बन रहा है। जब ब्रांड बन रहा है तो हर जगह से ना वो मतलब सर्च इंजन्स भी दिखाने लग जाते हैं, पिक करते हैं आपकी चीज़ें, अच्छा ये इंस्टाग्राम पे भी है, अच्छा ये फेसबुक, तो वो वीडियोस वहाँ से भी पिक करके अपने रिजल्ट में दिखाता है। तो ये एक तरह से एक ब्रांडिंग सिग्नल होता है, एक ब्रांड आप बन रहे हो ये सिग्नल जाता है सर्च इंजन्स को। तो हर प्लेटफॉर्म पे अपने वीडियोस डालनी है। बट हाँ, अब आप कहोगे कि यार भाई फेसबुक पे डाली, अब तो फेसबुक वालों को मतलब अलग लिंक देना पड़ेगा अपने दोस्तों को, फिर यूट्यूब पे डालूंगा उसका लिंक अलग देना पड़ेगा। नहीं, आप एक प्लेटफॉर्म को स्ट्रॉन्ग करो, यूट्यूब पे डालो, उसी का लिंक दो अपने दोस्तों को कोरा वगैरह पे, उसको कम्युनिटी को बिल्ड करो। बाकी फेसबुक वगैरह पे वैसे डाल के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कंसिस्टेंट रहो, थोड़ा बहुत काम करना करो, नहीं तो नहीं। बट एक प्लेटफॉर्म को पकड़ के उसके लिंक शेयर करते चले जाओ, उसे अब एक तरह से आप साइटेशंस बढ़ा रहे हो, बैकलिंक जो भी कह लो उसे देसी भाषा में। तो अब जब उस पर सिग्नल्स आते रहते हैं, एक कम्युनिटी बिल्ड हो गई, उससे आप दूसरी एक मिनट में बना लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही ट्रिक्स, टिप्स और टॉपिक्स कवर करता रहूँगा डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, जो आपको आपका कैरियर एनहेंस करने में मदद करेंगी, साथ ही साथ अगर आपका कोई बिजनेस है ना तो उसे ग्रो करने में भी मदद करेंगी। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।